हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशुमन है और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है न्यूट्रिशन डॉक्टर। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है वे प्रोटीन। आखिरकार वे प्रोटीन होता क्या है? दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि इंडिया में फिटनेस को लेके इतने ज्यादा मिथ्स बनाए गए हैं। सिंपली इसीलिए आज मुझे ये टॉपिक चूज करना पड़ा क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट कहीं ना कहीं से सुन के आते हैं या उनके पीछे किसी ने कुछ बोला होता है कि वे प्रोटीन उनके लिए हार्मफुल है या वे प्रोटीन जो है स्टेरॉइड्स होते हैं उनके किडनी पे काफ़ी ज़्यादा असर करेगा, उनको स्टोन पैदा कर देगा, उनको स्टोन है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा अगर आप सभी वे प्रोटीन लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सारे डाउट क्लियर करूँगा कि आखिरकार वे प्रोटीन होता क्या है। सिंपल सी चीज़ है, आप सभी को समझनी है, ध्यान से इस बात को सुनिए। देखिए दोस्तों, जब दूध होता है अगर आप दूध के अंदर नींबू डालेंगे तो नींबू जब डालते हैं तो दूध फट जाता है, पनीर अलग हो जाता है, वो पानी अलग हो जाता है। दूध के अंदर दो टाइप का प्रोटीन होता है, जो पनीर वाला पार्ट था वो कैसीन कहलाता है और जो पानी अलग होता है वो वे कहलाता है। लोग उसको फैक्ट्रीज में एमल्सीफाई करके प्रोसेस करके उसको पाउडर फॉर्म में बनाते हैं तो उसी को ही वे प्रोटीन बोला जाता है, जिसके की तीन फॉर्म होती है, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज, जो की फर्दर रिफाइंड होके प्रोसेस होके धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट बनता है, फिर उसके बाद आपका आइसोलेट बनता है, देन हाइड्रोलाइज बनता है। तो इसके तीन फॉर्म होते हैं। अब दोस्तों, सिंपल सी ये सोचने वाली बात है कि ये दूध में से निकली हुई चीज आपको कहाँ से वो आपके किडनी पे इफेक्ट डालेगी? आप खुद सोचिए इस बात को कि वो दूध है, ऑब्वियसली वो दूध है यार। कौन कहता है कि अगर आपको दूध पीने से किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी दूध पीना भी छोड़ दें? इतना सा दिमाग लगा, थोड़ी सी चीज है। इतने जो इस फील्ड के अंदर जो मिथ्स फैलाए गए हैं, जो आजकल गुरु का ट्रेंड चल रहा था या चलता आ रहा था कि ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, ऐसे नहीं करना, ये स्टेरॉइड डब्बा है, ये है वो है। दोस्तों देखिए, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा। पहली बात तो ये, वे प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको सप्लीमेंट से लेना है। अगर आप सभी नेचुरल डाइट से ले सकते हैं तो सबसे बेस्ट चीज है। और अगर आप सप्लीमेंट कब ऐड करते हैं, जब आपकी पूरी प्रोटीन इनटेक डेली कैलोरी इनटेक नहीं पूरी हो पाती प्रोटीन की, तब आप सप्लीमेंट ऐड करते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कोई इसका रोल नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सप्लीमेंट लेने से ही मेरी बॉडी बन जाएगी तो कम्प्लीटली मिथ है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। और ये भी मिथ दिमाग से निकाल दीजिए कि वे प्रोटीन लेने से आप सभी को कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। मानता हूँ कि प्रोटीन के अंदर जो वे प्रोटीन होता है उसके अंदर आप सभी के लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है किसी ना किसी को जिसको दूध नहीं पचता। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी अपने खुद दिमाग लगाएं और रिसर्च करें इसके बारे में, पढ़ें कि वे प्रोटीन आखिरकार होता है क्या है, कहीं पे इसका कोई साइड इफेक्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए और अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए तो।